अक्षय कुमार की सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया है। इस फिल्म ने न सिर्फ लोगों की सूखी उदास जिंदगी में एंटरटेनमेंट के रंग बरसाए हैं, बल्कि इस फिल्म ने तो ढेर सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। जी हाँ, सूर्यवंशी ने अक्षय की काफी पुरानी फिल्मों जैसे कि केसरी और हाउसफुल 4 वगैरह से भी बेहतर प्रदर्शन किया है और महज 3 दिन में ही देसी और विदेशी बॉक्स ऑफिस को मिलाकर 100 करोड़ का कलेक्शन पार कर गई है। फिल्म ने ये 100 करोड़ कहां कहां से और कैसे कमाए हैं, इसका भी कंप्लीट ब्रेकअप हम आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात सुन लीजिए। सूर्यवंशी का 3 दिन में 100 करोड़ कमा लेना वाकई ऐतिहासिक है और बॉलीवुड के गुड न्यूज भी है। कहां तो एक तरफ ये डर सताया जा रहा था कि कोरोना के खौफ के बीच सूर्यवंशी को दर्शक मिलेंगे भी या फिर नहीं, कहीं फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप तो नहीं हो जाएगी, क्या ये फिल्म रिलीज करने का सही वक्त है, इस जैसे कई सवाल लोगों को डरा रहे थे। लेकिन इस फिल्म ने तो वाकई डर को भी डरा दिया है। सूर्यवंशी एक खुशी का बहुत बड़ा पैगाम है बॉलीवुड की उन तमाम बड़ी फिल्मों के लिए जिनके लिए प्रोड्यूसर्स अब तक डर रहे थे। अब आइए आपको सूर्यवंशी की 100 करोड़ वाली कमाई का पूरा ब्रेकअप जरा डिटेल में समझा देते हैं। देखिए, इंडिया के घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सूर्यवंशी ने शुरुआत के 3 दिनों में कमाए कुल 79 करोड़ रुपए। शुक्रवार के दिन यानी 5 नवंबर को 26 करोड़ से 29 लाख रुपए। शनिवार को यानी कि 6 नवंबर को कमाई रही 23 करोड़ 85 लाख रुपए और रविवार यानी कि 7 नवंबर को फिल्म ने कमाई की है करीब 28 करोड़ 50 लाख से 31 करोड़ के आसपास की। यानी अगर हम इन तीनों दिन की कमाई को जोड़े तो ये आंकड़ा 77 करोड़ से 79 करोड़ के आसपास जाता है। चलिए अब इसमें ओवरसीज की कमाई का आंकड़ा भी जोड़ते हैं। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श के मुताबिक पहले 2 दिन में सूर्यवंशी की ओवरसीज कमाई 16 करोड़ 68 लाख रुपए के आसपास रही है। ओवरसीज से अभी रविवार की कमाई का आंकड़ा आना बाकी है और उससे पहले ही घरेलू और विदेशी बॉक्स ऑफिस को मिलाकर सूर्यवंशी का आंकड़ा करीब 93 से 94 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसके मायने साफ है कि जैसे ही इस आंकड़े में ओवरसीज का संडे कलेक्शन जोड़ा जाएगा, ये 100 करोड़ को भी पार कर जाएगा। यानी लंबे वक्त के बाद पहले 3 दिन में 100 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म बन जाएगी सूर्यवंशी। वाकई ये सक्सेस बहुत ही मैसिव है। फिल्म इंडस्ट्री और बड़े बड़े एक्टर्स को फिलहाल ऐसी ही संजीवनी बूटी की जरूरत थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह के अलावा रोहित शेट्टी भी अब अपने इस फैसले पर राहत की सांस ले रहे होंगे कि उन्होंने सूर्यवंशी को थिएटर के लिए रोककर गलती नहीं की। सूर्यवंशी थिएटर में जश्न का दौर दोबारा लौट आया है। आइए हम सब मिलकर सूर्यवंशी की तमाम कास्ट और क्रू को इस मैसिव कामयाबी के लिए बधाई दें। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।